सबर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। पहले मैं बहुत इरिटेट हो जाता था जब भी कोई मुझे अपनी गलतियां बताता, लेकिन जब से मैंने इसको पढ़ा मेरे कॉन्शियस में एक स्क्रीन लग गया कि मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि प्लीज मेरी गलती है, प्लीज मुझे सुधार। जैसे उमर नजमी साहब का एक शेर है कि जिसे दिखाई दूं मेरी तरफ इशारा करे, जिसे दिखाई दूं मेरी तरफ इशारा करे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहां। तो जब मैं लोगों से पूछता हूं कि अपनी तनकीद करवाता हूं अब जाके, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी एक बेहतर इंसान, मतलब इतने सालों तक मैं जितना भूसा खड़ा रहा अब मैं एक बेहतर व्यक्ति तो बनने की तरफ थोड़ा सा चल पाया। क्योंकि कविताएं, मैं चाहता हूं कि मैं जगह जगह जाके देश के अलग अलग हिस्सों में, गांव में आज हम लोग एक वृद्धाश्रम में गए थे, वहां पे जाके मैंने कुछ कविताएं सुनाई उन लोगों को, उनके लिए जरूरी है वो, मतलब वो तो क्या कहें, वृद्धाश्रम की हालत में मैं क्या कहूंगा उनको, जाके कोई क्यों एंटरटेनमेंट, उनके लिए एक टीवी लगा, उनको एंटरटेनमेंट, उनके लिए लाइव शो क्यों नहीं, उनके लिए सनबर्न क्यों नहीं। कहां मतलब मैं बार बार फिर आदम खान के साहब याद आते हैं कि तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी कुटी रखा भी। कितना कितना डिफरेंस हो जाएगा। आज मैं वहां पे जाके एक लोकगीत है जिसको मैं गाता रहता हूँ, जिसकी मैं बताकर मैं अगर आप ज्वाइन कर पाएंगे